उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चार लड़के मिलकर एक महिला के साथ किसी सुनसान जगह पर हैवानियत दिखा रहे थे। वे महिला को जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप करना चाहते थे। पीड़ित महिला उनसे ब्या ब्या कहकर रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वे लोग मारने को तैयार नहीं थे। वीडियो भी आरोपियों ने ही बनाया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव में महिला के साथ दरिंदगी की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने राहुल और आकाश नामक दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों वीडियो में महिला को धकियाते और खींचते दिख रहे हैं। पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, बाद में दूसरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अभी पुलिस को अन्य दो आरोपियों की तलाश है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला उन लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही है, बार बार कह रही है, भैया ऐसा काम न करो। उनके साथ एक चौथा लड़का भी है जो वीडियो में नहीं दिख रहा, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है। महिला गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े भैया भैया कह रही है, मगर वे महिला को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसे धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। महिला लड़कों से हाथ जोड़कर कहती दिख रही है कि उनसे ये सब काम नहीं होगा। जो लड़का वीडियो बना रहा है उसकी भी आवाज आती है, वो महिला को धमकाते हुए कह रहा है कि ये वीडियो वायरल कर देंगे टीवी पर। वीडियो के आखिर में चारों लड़के उस कह रहे हैं कि उसे सेक्स तो करना होगा, सीधे सीधे नहीं मानेगी तो जबरदस्ती होगी। एक लड़का स्थानीय भाषा में कहता है, सेक्स तो करना ही होगा, भले एक के ही साथ करो। अब पुलिस अन्य दो आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। ज़ेड न्यूज़ की रिपोर्ट।